प्रसन्नता छुपाए नहीं छुप रही है महादेव। सखा के दर्शन हो और मन आनंद में नृत्य ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है देवी? ऐसा दुर्लभ अवसर, वो भी बार बार, सबको थोड़ी ही मिलता है। मुझे चिढ़ाने का प्रयास सफल नहीं होगा महादेव। आपके सखा से फिर से भेंट करने मैं भी शीघ्र ही जाऊंगी, बल्कि मैं तो उन्हें अपने हाथों से भोग भी खिलाऊंगी। आने वाले पूर्णिमा को आपके सखा बाल कृष्ण का अन्न प्राशन संस्कार है, और ऐसा आनंददायक उत्सव बिना देवी अन्नपूर्णा के संपन्न हो, ऐसा कैसे हो सकता है महादेव? प्रभु, 2 दिन से यहीं अटकी हूँ। अटकी नहीं हो मुरली, तुम तो लटकी हो। प्रभु, मुरली, बाबा आ रहे हैं, तुम बस इनकी दृष्टि में आ जाना, फिर मैं संभाल लूंगा। कान्हा, ये कहां से आई? तुझे चाहिए जे? इतनी आसानी से इच्छा पूरी ना होगी तेरी काना। तुझे वचन देना पड़ेगा कि बड़ा होते ही तुझे बांसुरी अपने बाबा को बजा कर सुनाएगो। बोल, देखो वचन सुनाएगो ना? आपकी हर इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है बाबा, आप बस मुरली दो तो एक बार। नन्ना जी, मैं जाके पंडित सदानंद जी को लिवा ले आऊं। ना ना, उन्हें लिवाने तो मैं स्वयं जाऊंगा। जाना पड़ेगा लल्ला, तेरे अन्न प्राशन की तैयारी जो करनी है। आता हूं मैं। हाँ, अभी आए। बाबा भी मुझे आपसे मिलाए बिना ही चले गए? चिंता मत करो मुरली, इतनी निकट आ गई हो तो अब मिलन भी शीघ्र ही होगा। नहीं, जे बार बार कौन रख देतो है तेरे पास? इतने छोटे बालक को बांस की डंडी कोई देतो है क्या? तुझे चोट लग गई तो तू दुखी मत हो लल्ला, तेरे खेलने के लिए कछु और ले आएगी तेरी मैया। ध्यान तो अभी भी इधर ही टंगो है तेरा, क्या चाहिए तुझे? तू बता दे, मुरली के माखन? दोनों। थोड़ी देर और ठहर जा लल्ला, फिर माखन तो क्या, माँ के हाथ की गुड़ वाली खीर भी मिलेगी तुझे खाने को। और तुझे अच्छी तो लगेगी ना? ये ब्रह्म राक्षस राज रावण को भी था, और यही ब्रह्म स्वयं को भगवान समझने वाले हिरण्यकश्यप को भी था, पर ना रावण के दशीश बचे और ना ही हिरण्यकश्यप का अस्तित्व। ऐसे चुपचाप आप कब तक बैठे रहेंगे महाराज? 2 दिन हो गए, ना आपने ठीक से कुछ खाया है और ना ही विश्राम किया है। जो कुछ हुआ है उसके बाद महाराज विश्राम कर भी कैसे सकते हैं? स्वामी, यदि प्रजा में आपका भय ही कम हो गया तो क्या करेंगे आप? भय कम हो भी जाए तो कभी भी उसे आसानी से बढ़ाया भी जा सकता है।
कंस कंस महान सर्वश्रेष्ठ कंस। अनुचित समय पर अनुचित कक्ष में आ गया क्या मैं? स्वामी आप इन सब से कहिए कि किसी योग्य योद्धा को ढूंढे। ये सब के सब अयोग्य हैं। आज तक एक ऐसा योद्धा नहीं खोज सके जो मेरा ये छोटा सा कार्य कर सके। पर कोई ना कोई तो अवश्य होगा महाराज, जो बिना किसी प्रश्न या शंका के आपकी हर आज्ञा मानेगा। चपला सुर। हो गया कल्याण, कहीं ये मुझे गोकुल तो नहीं भेज देंगे? इन सबका कार्य समाप्त होने को है, मैंने अब तक आरंभ भी ना किया है। तुमसे किसने कही कि तुम बुरा भोजन बनाती? स्वादिष्ट भोजन बनाना तो विशेषता है तुम्हारी। अब तक केवल आपके लिए बनाओ मैंने, और आप तो चाहे जैसा भी बना दो सदैव अच्छा ही कहते हो। सच्ची बात तुझे है कि इतने छोटे बालक का भोजन कैसे बनता है, क्या बनता है कुछ पता ना है मुझे। अब आप ही समझाओ बाबा, मैया चाहे जो बनाए पुत्र प्रेम से ही खाएगा। यशोदा, जो तुम बनाओगी वो काना पहली बार ही चखेगो, और जो वो चखेगो वैसा ही स्वाद विकसित हो जाएगा। पर यदि खीर में मुझसे गुड़ तनिक अधिक या कम पड़ गो और काना को अच्छा ना लगो तो, या फिर चावल ठीक से ना पके और मेरे लल्ला का पेट बिगड़ गो तो? ना ना, मुझसे ना बनेगो आज का भोजन। मैं ऐसा करती हूँ, जानकी से कहती हूँ। ना 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 ना, प्रभावती ठीक रहेगी इस कार्य के लिए, उसे तो अनुभव भी है कि बालकों को भोजन कैसे बनाते हैं। मैं उसे बुलाती हूँ। यशोदा, किसी और से भोजन बनवाओगी अपने काना के लिए, वो भी आज के इतने महत्वपूर्ण दिन पर? चिंता मत करो बाबा, माँ स्वयं आ गई हमारी सहायता करने। रंगोली में देवी के चंद चिन्ह बनाना तो भूल ही गई मैं।
देवी की चल चल यहाँ कैसे आए? आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं माँ, मैया को आपकी आवश्यकता है। अपनी कुशलता पर शंका करना भिन्न बात, पर क्या तुम्हें देवी अन्नपूर्णा पर भी विश्वास ना है? मैया अन्नपूर्णा पर तो अखंड विश्वास है मुझे, किंतु आज अपने ही हाथों पर अपनी योग्यता पर विश्वास ना हो रहा है। हर मैया में देवी अन्नपूर्णा बसती। इसलिए अपने भीतर की अन्नपूर्णा पर विश्वास करो और भोजन बनाओ, देखना स्वादिष्ट बनेगो, ताक के लल्ला चटकारे लेकर खाएगो और लल्ला के बाबा भी। आप खड़े क्यों हो? आप जाओ, मुझे मेरे कान्हा के लिए भोजन बनाने दो। अब आप व्यवधान मत डाल, जाओ यहां से। अच्छा जी। हाँ जाओ। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आज हमारे पुत्र का अन्नप्राशन संस्कार है। देवकी, ये क्या कर रही हो? स्वामी, उत्सव आयोजित नहीं कर सकती, संस्कार की साक्षी नहीं बन सकती, पर श्री नारायण के चरणों में बैठकर अपनी प्रसन्नता तो बांट सकती हूँ ना। देवकी, इस समय बहुत से प्रहरी आते जाते हैं, किसी ने देख लिया तो? अब मुझे किसी का भय नहीं है स्वामी, न कंस के सैनिकों का, न स्वयं दुष्ट कंस का। नंद भैया, यशोदा कहाँ है? रसोई में। अच्छा, यशोदा मैं कुछ सहायता करूं? ना जी जी, आप बाहर की तैयारियां संभालिए, आज अपने कान्हा के लिए भोजन तो उसकी मैया ही बनाएगी। ठीक है। देखा लल्ला, कितना अच्छे समझाया तेरी मैया को मैंने। क्षमा करना बाबा, ये आपका नहीं, माँ अन्नपूर्णा का चमत्कार है। आप बड़े प्रसन्न हो रहे हो दाऊ, अकेले अकेले माखन खा के बहुत दिन चिढ़ा लिया आपने, आज मेरी बारी है। देखो कैसे दो दो माएं मेरे लिए भोजन बना रही हैं। मुख पे हर्ष, हाथ में कड़छी, मैया मन से पका रही है। माँ अन्नपूर्णा सहाय बनी, खीर को दिव्य बना रही है। सुगंध आई दाऊ? अभी समय है कृष्ण, तुम्हारे मुंह में अभी से जल भराया। दो दो माओं के हाथ की खीर मिलने वाली है ना दाऊ, तो मुंह में पानी आना तो स्वाभाविक ही है। चपलासुर मुझे भगवान मानता है। कहाँ चले चपलासुर? अपने भगवान के सामने नकमस्तक हुए बिना ही लौट रहे हो? प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे भाग्य विधाता। हे
ऐसा करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ मेरे ईश्वर। यहाँ गंभीर मंत्रणा चल रही थी, इसमें व्यवधान नहीं डालना चाहता था, बस इसीलिए। और सत्य कहूं तो आपके मुख से अपना नाम सुन के मैं धन्य हुआ मेरे प्रभु। और अब आपके चरणों का स्पर्श पाकर मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ। अरे किंतु मैं आपको भोग चढ़ाना तो भूल ही गया। हे सर्वशक्तिमान, सबसे महान, शरणागतों के भगवान कंस की, श्री हरि नारायण भगवान की जय। प्रभु श्री नारायण को भोग लग गया है, अब अन्न प्राशन की रीति आरंभ की जा सकती है। इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी कब से, पर मैया कहाँ है और कहाँ है उनके पकाए पकवान? नंद भैया, आपने यशोदा को कहीं देखा? रसोई घर में भी नहीं है। उसे तो सबसे पहले यहाँ होना चाहिए था, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं देख तो। अन्न प्राशन के लिए गुड़ खीर तो बना ली, किंतु माखन जो मेरे लल्ला को इतना प्रिय है वो भी तो उसे मिलना चाहिए। यशोदा जी, कोई माखन निकालने को समय है क्या? हाँ, मैं लल्ला के लिए। अरे वहाँ सब आ गए हैं, नारायण को भोग भी लग गए। चलो, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ तो चलो फिर। चलो। मुझे भी देखना है अपने प्रभु का अन्न प्राशन। मैया कहाँ रह गई दाऊ? अब तो पेट भी भूख से त्राही त्राही कर रहा है। आती ही होंगी, अब तक धैर्य रखा है कान्हा, थोड़ा और रख लो। अरे ये भी आ गए। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, कौन आ गए कान्हा? यक्षराज कुबेर। प्रणाम प्रभु। महाराज कुबेर, आप यहाँ? कैसे ना आता प्रभु, आज आपका अन्न प्राशन संस्कार है, अन्न समृद्धि का प्रतीक है और समृद्धि मुझसे संबंधित है, इसलिए मुझे तो आज आना ही था। आपका स्वागत है, पर कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिससे गोकुलवासियों को या मेरी मैया को मेरे विष्णु अवतार होने का सत्य पता चल जाए। मैं ध्यान रखूंगा प्रभु, बस एक कोने में रहकर इस परम उत्सव का साक्षी बनूंगा और फिर चुपचाप चला जाऊंगा। अब अन्न प्राशन की रीति आरंभ करते हैं। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। किसी का पाव पड़ेगा तो टूट जाएगी ये। धन्यवाद कुबेर जी, कम से कम अब मैं उत्सव देख तो पाऊंगी। शीघ्र खिलाओ मैया और प्रतीक्षा मत करवाओ। नंदराज जी, इस अन्न के पात्र पर कान्हा का हाथ लगवा लो और कान्हा की ओर से माँ अन्नपूर्णा को प्रार्थना कर लो। रुको जी, लल्ला का हाथ चल जाएगा, अब लगवा दो। अब बस शीघ्र ही खिला दो मैया। प्रभु
अब कान्हा को पहली बार अन्न इसके बाबा चखाएंगे, तत्पश्चात दूसरा निवाला मैया खिलाएगी। देखा कान्हा, सारा श्रम कियो है तेरी मैया ने, पर पहले अन्न चखाने का अवसर मिल रो है तेरे बाबा को। जे भी ना कि मुझसे एक बार पूछ ही ले। मैया है जी, परंपरा चाहे जो हो, कान्हा को पहला निवाला खिलाने का अधिकार तो इसका ही है। यशोदा, मुझे समझ ना आ रहा कि निवाला कितना बड़ा बनाना, तुम तनिक सहायता करो ना। लो जी, अब खिला दो, पर पहले फूंक मार देना। तुमने इतने प्यार से निवाला बनाया है, तुम ही खिला दो। ना जी, परंपरा के अनुसार तो बाबा ही पहला निवाला खिलाते हैं। लो खिला दो। हाँ तो मैं हाथ लगा देता हूँ, परंपरा भी रह जाएगी और तुम्हारा मन भी। स्वादिष्ट खीर बनाई है आपने। आनंद आ गया। मां अन्नपूर्णा, मैया की सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माखन, जो तुमने कान्हा के लिए निकाला था। इसे माखन खाने की बहुत इच्छा है। माखन वाला चुनाव की रीति, जाइए वस्तुएं लेकर आइए। हाँ, सब वस्तुएं ले आते हैं। हाँ, हाँ। अब पहुंचूंगी अपने कृष्ण के निकट। जी मुरली, जी तो भाभी ने ना दी थी, फिर जी कहाँ से आ गई? जी किसने रख दी यहाँ पे? कस्तूरी ले, इसे कहीं रखा जा। मुझे भी कोई कार्य ना करना पड़ जाए, कोने में छुप के बैठ जाती हो। अरे नहीं, यहाँ नहीं। जो यहाँ कैसे आई? कैसे भी आई, जिसकी होगी स्वयं ढूंढ लेगो। नंदराज जी, अब कान्हा जे वस्तु का चुनाव करेंगे, वो वस्तु अपने आप ही बता देगी कि भविष्य में कान्हा की किस क्षेत्र में रुचि विकसित होगी। जैसे ये पुस्तक है,
ये प्रतीक है ज्ञानी होने का। उठा काना, बता दे सबको तेरी रुचि किस वस्तु में है। कान्हा, जो तुझे प्रिय हो उसका चुनाव कर ले। जे तो कछु उठाई ना रोए, इसका क्या अर्थ है जी? इसका अर्थ ये है कि इसे भी पता ना है कि क्या उठाना है। अरे जे देखेगो तभी तो सीखेगो। पहले बलराम से चुनाव करवाते, हो सकता है उसके देखा देखी काना भी कुछ उठा ले। जीजी, नारायण की लीला कितनी न्यारी है। मेरे बलराम की ये रीति छूट गई थी, उसी बहाने हो जाएगी। बलराम पुत्र, तुम्हें जो चुनाव करना है कर लो। आपके बल की सूचक यहाँ केवल एक ही वस्तु है दाऊ। बलराम ने हल चुनो है, ये प्रतीक है कठिन परिश्रम और बल का। अधिक बलशाली और कोई नहीं। बड़ा भाई हूँ कृष्ण, तुम्हारी रक्षा करनी होगी ना मुझे। चल लल्ला, अब तेरी बारी। लल्ला देखना, जे मोर पंख वाली नंदी, और वो देख वो गदा। लल्ला कुछ तो उठा ले, अपने मैया की लाज रख ले। लल्ला पर जो मुझे चाहिए वो यहाँ है ही नहीं मैया। काना कछु उठा काहे नहीं रहे हो? जे कहाँ से आई? कान्हा बार बार इसे ही देख रहा था, क्या पता इसे रख दूं तो जे ही उठा ले। अभी तो मुरली मेरे पास थी, वहां कैसे पहुंच गई? विलंब अवश्य हुआ, पर हमारा मिलन हो ही गया प्रभु। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारा मिलन शीघ्र ही होगा। उत्तम, अति उत्तम। कान्हा ने मुरली चुनो है, इसका अर्थ है कि इन्हें संगीत प्रिय है, ये प्रतीक है आनंद और शांति का। शांति और आनंद अरे कुबेर महाराज, ये क्या किया? आपने तो कहा था कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे। शांति और आनंद। ये क्या हो रहा है? सोने के सिक्कों की वर्षा।
मुरली, इससे पहले कि मैया का ध्यान इस विचित्र वर्षा पर जाए और इन्हें संदेह हो, हमें ही कुछ करना होगा। ऐसी धुन बजाओ कि जो सुने मंत्रमुग्ध हो जाए। हे नारायण, ये क्या किया मैंने? प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। जो होना था हो गया कुबेर महाराज, अब तो स्थिति संभालनी ही होगी। इससे पहले कि मेरे कारण कोई और समस्या खड़ी हो जाए, आज्ञा दीजिए प्रभु। के चलते बने, अब मुझे और बाबा को ही इस समस्या का निदान करना पड़ेगा। शुद्ध स्वर्ण, यह अवश्य ही ईश्वर की लीला होगी। ये कुबेर महाराज का प्रेम है बाबा, जो समस्या बनकर पूरे गोकुल में बिखर गया है। गए बाबा, मैं कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण का अवतार हूँ। समय पड़ने पर सहायता करने का वचन दिया था आपने। किसी संकट की स्थिति में आपको सब कुछ स्मरण क्यों आएगा? ताकि आप मैया को सत्य पता चलने से रोक पाओ। बोलो बाबा, आप मेरी सहायता करोगे ना? प्रश्न मेरा सत्य सामने ले आए, आपको स्वर्ण छुपाना होगा। पर प्रभु, ये तो बहुत अधिक। इसे समेटने में मैं सहायता करूंगा, छुपाने में आप करना। चपनासुर, कुछ नहीं प्रभु, आपकी भक्ति में डूब गया था।
अपना भोग स्वीकार करो प्रभु। तो क्या कह रहे थे तुम कि सभी लोग मेरी आज्ञा मानेंगे? अवश्य मानेंगे प्रभु। आप केवल संकेत करके तो देखिए, सब एक पांव पर नृत्य करने लगेंगे। तो तुम्हारे कहने का अर्थ ये है कि सभी बिना किसी संकोच के मेरी आज्ञा का पालन करेंगे? बिना संकोच के क्या प्रभु, बिना सोच विचार के करेंगे। मुझे ही देख लीजिए, आपके मुख से आदेश आने से पूर्व मैं आपके सारे कार्य कर लेता हूँ। ये नारियल देख रहे हो चपला से? कल्पना करो कि ये उस बालक का शीश है। हाँ चपला सर, अगली बार आओ तो ये नारियल नहीं, उस विष्णु अवतार के प्राण लेकर आना अपने इस भगवान के लिए। बोलो, करोगे ना मेरा ये छोटा सा कार्य? बनोगे ना मेरे विशेष विश्वास पात्र? सुना तुम सबने, चपलासुर मेरे लिए वो कार्य करेगा जो तुम सब नहीं कर सके। मेरे शत्रु के प्राणों को हरेगा, गोकुल जाके। नहीं, कदापि नहीं जाऊंगा मैं, कदापि नहीं जाऊंगा। प्रभु, सारा स्वर्ण छिपा दी, पर अब मैं आप में अपने कान्हा को ना देख पा रहा। मेरी ये दृष्टि तो बस प्रभु श्री कृष्ण को, पर मैं आपका जे रूप भूलना चाहता हूँ प्रभु। ऐसा ही होगा, आप मेरा सत्य भूल जाओगे बाबा, पर जब भी गोकुल को इस स्वर्ण की आवश्यकता होगी आपको इसकी स्मृति आ जाएगी। महाराज कुबेर का दान समझकर आप इसका उपयोग गोकुलवासियों के कल्याण के लिए करना। यशोदा, कान्हा के हाथ में मुरली आते ही कितनी मधुर आनंदमयी अनुभूति हुई है। विचार करो, जब ये मुरली बजाने लगेगा तब क्या होगा? मुरलीधर कहलाएगा मेरा कान्हा, बंसी बजैया कहकर पुकारेंगे इसे। प्रभु, मैया हमें फिर एक दूसरे से दूर करने तो नहीं आ रही? मैया की लीला मैया ही जाने, मेरी मुरली फिर से ले ली। तेरी इस मुरली ने मेरी लाज रख ली कान्हा, अब तू इसे रख सकते है। सुना तुमने, आज से तुम मेरे साथ जुड़ गई। अब जब भी कोई
मेरा नाम पुकारेगा, तुम भी उसकी स्मृति में सहज ही चली आओगी। मुरली, बंसी, बांसुरी, अनेक नाम मिलेंगे तुम्हें। और जैसा भी मैया ने कहा, मुझे भी मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए